Hello friends, welcome to our channel AgriWizard BAU. In today's video, we'll know about the strategy for preparation of Social Science JRF from the topper, Mr. Amandeep Ranjan, who secured All India Rank 23. Welcome sir to our channel. So let's begin the video. Hello friends, my name is Amandeep Ranjan and currently I am pursuing Masters in Dairy Extension at NDRI Karnal. In this video, I'll guide you how to crack JRF and discuss which topics to be followed and which books to be covered to qualify this exam. So please watch this video till last. इस एग्जाम से रिलेटेड जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं कि कौन कौन से बुक्स पढ़ने होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, क्या सिलेबस फॉलो करना है, तो जहां तक बात है सिलेबस की, वो तो आपको आईसीएआर के वेबसाइट या एनटीए के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इस पे बेसिकली चार सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला आपका इकोनॉमिक्स हो गया, दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा स्टैट्स और चौथा जनरल एग्रीकल्चर। एक नज़र अगर हम सिलेबस पर डालें तो इस पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट आपका जनरल एग्रीकल्चर के लिए है, दूसरा और तीसरा यूनिट जो है वो आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन के लिए है, जो आपका फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है वो आपके एक्सटेंशन पार्ट को कवर करता है। और जो भी बुक्स आप फॉलो करेंगे इसी सिलेबस को ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, इससे कम भी नहीं पढ़ना है, तो आप एक लाइन लेंथ पे चलेंगे जिससे आप अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। बात करें अगर स्ट्रेटेजी की कि कितने देर पढ़ना है, कौन से बुक्स को कितनी बार पढ़ना है, तो जनरली वैसा वैरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर। जैसे आप ये कर सकते हैं कि जो बुक आपको ज़्यादा पसंद है उसको आप मल्टीपल टाइम्स खत्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकते हैं। बात करें अगर बुक्स की तो सिलेबस को ध्यान रखते हुए काफ़ी अच्छे रिकमेंडेड बुक्स है। इकोनॉमिक्स के लिए आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स सुब्बा रेड्डी सर की बुक्स पढ़ सकते हैं आप। ये काफ़ी अच्छी बुक है, जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न होता है डायरेक्ट लाइंस उठाए रहते हैं, ग्राफ्स का वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं, वो सारे इन्हीं से होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी जो बनाए होते हैं वन लाइनर्स क्वेश्चन, वो सारे आपको इस बुक से कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के लिए इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं वीटी राजू सर की बुक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और अगर आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करना है तो मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी बाय के डेविड सर का बुक फॉलो कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया बाय आचार्य नगरवाल जो बुक है उसका जो पोर्शन है काफ़ी हद तक सुब्बा रेड्डी सर ने कवर किया हुआ है, तो वो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत समय है तो आप इसको एक रीडिंग दे सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, आपको एक डेढ़ महीने में रिवीजन करना होता है, तो आप इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल सोशल साइंस बाय सुभाष चंद्र सर की जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपके सारे पोर्शंस कवर्ड हैं एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स और स्टैट्स की। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव बुक्स इकोनॉमिक्स की तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बाय के एन रवि कुमार जो है काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी मोटी किताब है, जनरली लोग ख़त्म नहीं कर पाते हैं, पर आप चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सेलेक्टेड पोर्शन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर एक्सटेंशन की बुक्स की बात करें तो एक्सटेंशन एजुकेशन बाय अधिवीर रेड्डी, ये बुक्स अभी मिल नहीं रही है, पर आप पुराने किसी सीनियर से कांटेक्ट करके इसका जेरोक्स लेकर पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसके सारे पेजेस सारे चैप्टर पढ़ना है आपको। जो जीएल रे की बुक है वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, और एक जो कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय एएस साधु सर की बुक है, इसे तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि जो मैक्सिमम एक्सटेंशन की क्वेश्चन होती है इस पोर्शन कम्युनिकेशन प्रोसेस से कवर हो जाती है। एक्सटेंशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव बुक हो जाएगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, यूनिट बाय यूनिट करके इसमें बांटा हुआ है। आप जैसे कोई चैप्टर खत्म करते हैं, जैसे कोई यूनिट खत्म कर सकते हैं, आप इससे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इंस्टेंट एजुकेशन बाय श्रुति मैम जो है ये काफ़ी अच्छी कैप्सूल है, वन लाइनर्स क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जो भी एग्जाम में जो आते हैं काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे, पर आप कोशिश करें कि उसको याद कर लें क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं वहाँ से। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की एक और ऑब्जेक्टिव बुक है एसवी साई प्रसाद सर की, इसमें आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है।
अगर हम स्टैट्स की बुक्स की बात करें तो जनरली इसमें कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स आप जो भी पढ़ेंगे, चाहे निमराज चुंडा पढ़े, चाहे एस आर कांतवा पढ़े, चाहे अरुण कात्यान पढ़े, उसमें जनरली टॉपिक्स कवर्ड होते हैं और इसके क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं। पर फिर भी अगर आप कोई बुक कंसल्ट करना चाहें तो आप फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाई गुप्ता एंड कपूर सर की बुक ले सकते हैं। आप इन सारे 13 बुक्स को फॉलो करें। जो रेड टेक्सटेड बुक है उसे तो ज़रूर से ज़रूर कवर करें और 2 से 3 टाइम्स उसको पढ़ें। बाकी जो बुक्स है आप उसे 1 to 2 टाइम्स रीडिंग लगा सकते हैं। जो भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का सुबह रेडी हो गया या एक्सटेंशन का जीएलआर हो गया, इन सब बुक्स को आप जितनी बार खत्म करेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप खत्म करते हैं, तो इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर, और इससे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप जवाब दे सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर कितने मार्क्स लाने पे या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे हमारा रैंक पक्का हो जाता है या हमें इंस्टीट्यूट मिलने की चांसेस रहती है। तो 120 क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे। तो इसमें ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि आप इतने लाने पर सिक्योर हो जाओगे, पर अमूमन ऐसा एवरेज तौर पर बोला जाता है कि अगर आप 500 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, अगर आपका नंबर 500 से ऊपर है, आप 140 से 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको एक इंस्टीट्यूट मिलना, आपका एक अच्छा रैंक आना तय है। अगर हम डिस्कस करें कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स या जनरल, तो अगर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखें तो सिलेबस के अनुसार 25% ही जनरल एग्रीकल्चर कवर करता है, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम ओरिजिनल पेपर को देखते हैं तो कभी उसमें एक्सटेंशन पार्ट ज़्यादा पूछ देता है, कभी इकोनॉमिक्स पार्ट ज़्यादा पूछ देता है, कभी जनरल का ज़्यादा वेटेज होता है। जैसे जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन बच्चों ने इक्वली कवर किए थे। जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर था वो था जनरल एग्रीकल्चर। जिस बच्चे ने ज़्यादा एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, जनरल एग्रीकल्चर के ऑप्शंस करेक्ट किए थे, उसका रैंक बढ़िया आया, उसके नंबर बढ़िया आया। तो आप इस पे कभी कंफ्यूज ना हो कि किस पे ज़्यादा वेटेज देना है। आप तीनों को इक्वली लेके पढ़ें ताकि आपका रैंक अच्छा सिक्योर हो, अच्छा मार्क्स आए आपका। अब अगर बात करें कि समय कितना देना होगा, कितने समय पहले तैयारी चालू करना होगा, तो इसके लिए आपको 6 महीना से साल भर के समय काफी है। अगर आप एक अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो दिन में आप 2 घंटा अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, अच्छे तरह से कवर कर रहे हैं सिलेबस को, तो आपको 6 महीना से 1 साल का समय काफी होता है जेआरएफ क्रैक करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारी तैयारी पूरी होती है पर हम क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ट्रेंड को हम एनालाइज नहीं करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न क्या थे, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ? क्वेश्चंस आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, एमसीक्यू की जो बुक्स है उसके पीछे भी या उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी यूनिट कवर कर रहे हैं, तो उसके साथ उसके क्वेश्चंस लगाते चले जाएं। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा और एग्जाम में आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मुहैया कराया जाता है, तो आप अगर एक दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली होगी। इसको शेयर करना ना भूलें ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, जूनियर्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें तैयारी करने में मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल।